दोस्तों हमने नेटफ्लिक्स पे लियो हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में देखा और समझ आया भाई साहब हिंदी डबिंग इतनी बुरी थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं मतलब इतना भी नहीं, लेकिन लोकेश सर की फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं रहती जिसमें थोड़ा कुछ मिस भी हो गया तो चल जाता हो। और हमारा लक इतना खराब है कि उनकी फिल्म्स की हिंदी डबिंग में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। कैथी में दिल्ली को शिवा, अनबू को बिल्ला, अदाई कलम को रंगा और नेपोलियन को लल्लन बना दिया। फिर विक्रम में संधनम को चंदन बना दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लियो में गोल्ड माइंस वालों ने खराब हिंदी डबिंग से तो कई सीन्स का मीनिंग ही बदल दिया, लेकिन इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ऐसे हैं जो हैं वो हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। अब ये लियो हिडन डिटेल्स का पार्ट 4 है। इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और इसके बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि फिल्म कैथी का वो एक रात का इंसिडेंट हुआ कब था, 2018 या 2019, क्योंकि हमें कैथी जो पुलिस स्टेशन में कैलेंडर दिखाई दिए थे उसमें 2019 था। उसके बाद फिल्म विक्रम में भी स्टार्टिंग में हमें कैथी का एक रेफरेंस सीन दिखाया गया था जिसमें अगेन 9th मार्च 2019 दिखाया गया था। लेकिन जब अमर बिजॉय को पकड़ता है और उसकी फाइल लेके बैठता है तब न्यूज़पेपर में डेट 18th मार्च 2018 लिखा हुआ दिखाई देता है और इसी डेट की वजह से ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। लेकिन लियो में फिर एक बार ये डेट हमें देखने मिलती है जब नेपोलियन की एंट्री होती है। इस न्यूज़पेपर में हमें कमिश्नर ऑफिस के फोटो के साथ डेट 9th मार्च 2019 भी दिखती है जो ये कंफर्म करता है कि कैथी की घटनाएं 2019 में ही हुई थी। उसके बाद इस सीन के हिंदी डब्ड वर्जन में लियो यहाँ नेपोलियन को बोलता है कि सच बताओ तुमने इतनी बड़ी गन से इतने लोगों को मारा, और उस पे नेपोलियन बोलता है मैंने तो सिर्फ मैनुअल पढ़ा था, गन तो दिल्ली ने चलाई थी। इससे ये थ्योरीज बन रही थी कि लियो दिल्ली को जानता है और लियो को ये भी पता था कि ट्रिची में दिल्ली ने उस गन से सबको मारा था, इसलिए वो नेपोलियन को ये सवाल पूछता है। लेकिन तमिल वर्जन में लियो नेपोलियन से पूछता है क्या सच में तुमने इतनी बड़ी गन उठाई थी, यानी लियो ने सिर्फ नेपोलियन की पर्सनैलिटी देख के सवाल पूछा था क्योंकि लियो को उस गन का वेट का अंदाजा था और उसकी तरफ देख के लियो को लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी गन नेपोलियन ने उठाई होगी, इसीलिए ये सवाल लियो पूछता है। यहाँ लियो दिल्ली को जानता है ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा भी था कि दिल्ली या नेपोलियन को लियो पहले से नहीं जानता था तो वो जज को रिक्वेस्ट करके अपने गाँव से किसी भी पुलिस वाले को क्यों बुला रहा था। तो मेरे गाँव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। तो उसका जवाब अगेन मुझे तमिल वर्जन में मिला कि लियो एक्चुअली अपने गांव से नहीं तमिलनाडु के किसी भी पुलिस वाले को बुलाने के लिए बोलता है, यानी लियो ने यहाँ इंटेंशनली नेपोलियन को नहीं बुलाया था, ये एक कोइंसिडेंस था। तो अगर ये डबिंग ठीक से हुई होती तो शायद ये थ्योरी कि लियो दिल्ली को पहले से ही जानता है कभी बनती ही नहीं। उसके बाद यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ अपनी माँ के चिल्लाने के बाद उसका फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन शायद माँ के चिल्लाने से ज्यादा लियो की किसी बात से वो ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के सामने लियो से बहस करता। लेकिन सिद्धार्थ को लियो ने ऐसा क्या बोला था? इस सीन में हिंदी वर्जन में सिद्धार्थ बोलता है सॉरी पापा मुझे नहीं पता था आप हो, लेकिन लियो बोलता है बहुत अच्छा थ्रो था, आज साबित हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। तो इसमें सिद्धार्थ को दुखी होने की क्या बात थी, लियो ने तो उसकी तारीफ ही की थी। लेकिन इसका जवाब आपको तमिल वर्जन में मिलेगा। यहाँ लियो बोलता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं गुड थ्रो, लेकिन तुम्हें पता था कि मैं ही हूँ, फिर भी तुमने जानबूझ के ये भाला मेरी तरफ फेंका है ना, और इसी वजह से सिद्धार्थ दुखी होता है और इसलिए वो यहाँ घर ना जाने के लिए लियो से बहस करता है। और गलत हिंदी डबिंग की वजह से हमें लगा था कि ये लड़का तो हाथ से निकल रहा है, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, अभी सिगरेट पी रहा है कल जाके ड्रग्स का नशा करेगा। इसके आगे वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर से तो जो थ्योरीज बनी थी वो सुन के तो मैं हैरान ही हो गया था। एंड की फाइट के बाद जब लियो और सिद्धार्थ घर वापस लौट रहे होते हैं तब सिद्धार्थ हिंदी वर्जन में बोलता है आप भी वादा करो कि मुझे फूंकता हुआ देखोगे तो माँ को नहीं बताओगे। आप भी वादा करो अगर मुझे फूंकते हुए देखा तो माँ को नहीं बताओगे। इसका मतलब ये निकलता है कि पापा मैं आगे भी सिगरेट पीऊंगा और आप माँ को ये बात नहीं बताओगे। लेकिन तमिल वर्जन में वो बोलता है आप प्रॉमिस करो कि मैं स्मोक करता हूँ ये बात आप माँ को नहीं बताओगे। इसका मतलब होता है कि पापा आपने तो देख लिया है कि मैं स्मोक करता हूँ लेकिन अब आप ये बात माँ को मत बताना, यानी वो माँ से डरता भी है और उसकी इज्जत भी करता है, ही एक्चुअली केयर्स। लेकिन हिंदी डबिंग वालों ने तो उसे गंजेड़ी नशेड़ी ही बना दिया और लोग थ्योरीज बना
आने लगे कि अब वो बाप के सामने भी स्मोक करेगा, फिर आगे जाके वो ड्रग्स लेना चालू करेगा। फिल्म में जैसे वो सिगरेट की फिराक में एंटनी के हत्थे चढ़ गया था, वैसे ही आगे जाके ड्रग्स की वजह से वो रोलेक्स के हाथ भी लगेगा, जैसे रोलेक्स पान की शॉप पे ड्रग्स बेचने बैठा है ना। और इतना ही नहीं, लोग ऐसी भी थ्योरीज बनाने लग गए थे कि अब लियो का बेटा ड्रग्स लेना चालू करेगा, फिर लियो अपने बेटे के लिए ही ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए जो विक्रम ने वॉर छेड़ी है उसमें विक्रम का साथ देगा, और ना जाने क्या क्या। अरे भाई, ये एवरेज डायरेक्टर की फिल्म नहीं जो इतना सिंपल ड्रामा रहेगा, ये किंग लोकेश कनगराज की फिल्म है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद फ्लैशबैक पोर्शन में हिंदी वर्षन में तो एंटनी को जल्लादी बना दिया है। यहाँ जब लियो और एलिसा वहाँ से भाग रहे होते हैं तब हिंदी वर्षन में एंटनी बोलता है, हेरोल्ड मार डाल दोनों को। ये सुन के ऐसा लगता है कि क्या जल्लाद बाप है, अपने भाई को अपने दोनों बच्चों को मारने को बोल रहा है। लेकिन जब तमिल वर्षन देखा तब पता चला कि कितना अच्छा बाप है। लियो उसके पैर पे तलवार से मारता है, फिर भी बेचारा बच्चों को सिर्फ पकड़ने ही बोलता है। लेकिन भाई, इस हेरोल्ड का कुछ अलग ही लफड़ा है, दोनों भी वर्षन में वो लियो को मारने की ही बात करता है। ये देख के सच में मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि क्या सच में हेरोल्ड रोलेक्स का बाप है जो लियो का पत्ता साफ करके अपने बेटे के लिए आंध्र प्रदेश वाली टेरिटरी खाली करके दे रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे तो और भी कई जगहों पे हिंदी और ओरिजिनल तमिल वर्षन में अच्छा खासा डिफरेंस था, लेकिन उससे ओरिजिनल स्टोरी और हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे इस सीन में जब फ्लैशबैक वाली स्टोरी खत्म करके डिसूजा जा रहा होता है तब हिंदी वर्षन में कुछ ऐसे ही रैंडम चीजें बोलता है। अपने वो भी जाने दे, तू भी गलती मार ले। लेकिन तमिल वर्षन में वो बोलता है, एक दिन की स्टोरी सुन के ये हिल गया, पूरी स्टोरी सुनेगा तो मर ही जाएगा। लेकिन ऐसे चेंजेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसे सीन्स पे बात नहीं करेंगे। लेकिन भाई, जो पहले वाली चीजें बताई है उसको देख के तो यही लगता है कि आगे से डबिंग के लिए इन गोल्ड माइंस वालों को फिल्म ही नहीं देनी चाहिए। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि कैसे जोशी के फोन में पार्थी का नंबर लियो नाम से सेव्ड है। पहले मुझे तो ये एक मिस्टेक लग रही थी, क्योंकि आप ही सोचो, अगर जोशी को भी पता है कि वो लियो है और जोशी सबसे ये बात छुपा के रख रहा है तो वो क्यों पार्थी का नंबर लियो नाम से सेव करेगा। लेकिन फिर सोचो कि ये लोकेश सर की फिल्म है, ऐसी गलती नहीं हो सकती। तो क्या जैसे विक्रम में एजेंट टीना थी और उसने अपना कवर एंड तक नहीं खोला था, एकदम आखिर में जीने मरने की सिचुएशन आती है तभी हमें पता चलता है कि वो एक एजेंट थी, तो क्या वैसे ही जोशी भी एक एजेंट है जो सही टाइम और सिचुएशन में ही अपना कवर ब्लो करेगा? और क्या उसे भी विक्रम ने यहाँ प्लांट करके रखा है किसी की रक्षा करने के लिए, या वो लियो पे नजर रख रहा है? क्योंकि कोई तो है जो लियो पे यहाँ क्लोजली नजर रख रहा है, तो वो जोशी क्यों नहीं हो सकता? कई सीन्स में उसके एक्सप्रेशंस भी एकदम डाउटफुल लग रहे थे, जैसे यहाँ जब कोर्ट पार्थी को बरी करता है, फिर यहाँ जब पार्थी सभी गोलियां एकदम सही निशाने पे मारता है। ये सीन देख के मुझे इस सीन की याद आई। तीनों की तीन बुलजाई में डाल दी, तू राइटर है जेम्स बॉन्ड? अबे तू पार्थी है या लियो, ऐसे ही जोशी ने भी मन में बोला रहेगा। अब फ्यूचर में इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई थ्योरी बनती है तो इस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है। लेकिन तब तक दोस्तों, आपको क्या लगता है जोशी के बारे में? अगर आपने भी जोशी के बारे में कोई थ्योरी बनाई है और शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।